कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी नई तुअर की आवक देखने को मिली है। खरगोन मंडी में गुरुवार को 2 बोरी नई तुअर की आवक का श्री गणेश हुआ। मुहूर्त में 5501 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार देखने को मिला। अभी नई तुअर में नमी ज्यादा बताई गई है, हालांकि सूखी और अच्छी क्वालिटी की तुअर की आवक में अभी विलम्ब होता दिखाई दे रहा है। इधर महाराष्ट्र के अकोला में भी नई तुअर की आवक धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में डिमांड का दबाव रहने से भाव मजबूत देखने को मिल रहे हैं। वहीं चेन्नई में लेमन तुअर में भी नीचे दामों पर अच्छी मांग आने से वहां पर भी दाम करीब 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक उछल चुके हैं और इसका असर इंदौर मार्केट पर भी देखने को मिला है। गुरुवार को इंदौर में तुअर के दाम करीब 100 से 200 और तुअर दाल में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई। तुअर महाराष्ट्र सफेद बढ़कर 7100 से 7200, कर्नाटक तुअर 7400 से 7600 और निमाड़ी तुअर 6000 रुपए पर देखने को मिली है। इधर कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में तुअर की फसल कमजोर बताई गई है, इसके चलते स्टॉकिस्टों की सक्रियता भी बढ़ गई है जिससे तेजी को बल मिल रहा है। इधर मसूर में खरीदारी न होने के चलते और आवक अच्छी होने के कारण भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।